जो हमारे पास आज का जो लेक्चर है तो वो किसके बारे में है, यू नो अबाउट, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, ठीक है। तो आज जो है हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टेक आउट योर रफ नोटबुक विद ब्लू मार्कर विद इंक पेन एंड आल्सो बुक, ओके। दिस इज़ द रफ़ नोटबुक, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है। अब तो आप लोग सीख चुके होंगे क्योंकि हम जो है 6 चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को तरीका आ चुका होगा कि किस तरह मार्जिन लाइन लगानी है, किस तरह जो है हमने पेज रेडी करना है, फिर डबल अंडरलाइनिंग किस किस की करनी है, क्वेश्चंस की अंडरलाइनिंग करनी है। जो ब्लैक पेन से मैं लिख रही हूँ तो ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से राइट करना है, जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ तो ये आप लोगों ने इंक पेन से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो एरो है वो आप लोगों ने एक लाइन छोड़ने के लिए है, ठीक है। टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, लीव वन लाइन इन क्वेश्चन नंबर वन, नेम द डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, व्हाई आर मिनरल्स इम्पॉर्टेंट। यानी हमारे पास जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके नेम लिख सकते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना है, लीव वन लाइन एंड राइट द आंसर, ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स हैं वो है, फर्स्ट वन है जिप्सम, सेकंड मैग्नेसाइट, ठीक है, थर्ड वन जेमस्टोन, फोर्थ वन बेराइट, फिफ्थ वन फ्लोराइट, सिक्स वन सल्फर, सेवन वन सोप स्टोन्स, एट मार्बल, नाइन रॉक साल्ट एंड लास्ट वन 10 लाइम स्टोन। तो ये जो थे हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज़। यानी ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और इससे जो है काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। हर चीज़ में जो है ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्रा द फिनिशिंग लाइन, डबल फिनिशिंग लाइन, डोंट क्रॉस द मार्जिन लाइन एंड लीव वन लाइन एंड राइट द क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्क्राइब द अदर मेजर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो आप लोग लिख लें, ठीक है। लीव वन लाइन इन आंसर राइट इट, ठीक है, और डबल अंडरलाइन दिस, ठीक है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास है कॉटन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो कराची में है केमिकल्स, सेकेंड वन थर्ड फर्टिलाइज़र, फोर्थ सीमेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज। इसी तरह आप लोगों ने जो है पेज रेडी करना है, ठीक है। कोयल, फिफ्थ वन कोयल, कोयला जो है, सिक्स वन आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड एट सेवन वन जो है हमारे पास है वेजिटेबल घी इन कुकिंग ऑयल, और इसी तरह कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, फर्नीचर के हो गए, लोहार जो काम करते हैं, ट्रेलरिंग वगैरह होती है, तो ये सारे हैं। लेकिन जो मेन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे पास ये हैं। ड्रा द फिनिशिंग लाइन एंड ड्रा द डबल मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन, पेज रेडी करना, अंडरलाइनिंग, फिनिशिंग लाइन, ये आप लोगों ने मस्ट करी, ये आप लोगों की आदत होनी चाहिए जहाँ पे भी पेज रेडी करें, ठीक है। लीव वन लाइन इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी आप लोग जो है गुड्स, जो सामान प्रोड्यूस होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, उसकी लिस्ट बना लें, ठीक है। तो इसके बारे में तो बहुत, जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सी है और उसमें जो चीज़ें पैदा होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, वो कौन सी है, तो वो सारा इसी में है, ठीक है। लीव वन लाइन इन राइट द आंसर, देयर आर ब्लैक स्मिथ, ठीक है, कारपेंटर, जो फर्नीचर वगैरह बनाता है उसको ब्लैक स्मिथ कारपेंटर कहा जाता है। क्रेफ्ट्समैन मीन्स दस्तकार जो होता है, ब्लैक स्मिथ मीन्स जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करते हैं, कारपेंटर जो मिट्टी जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाना, वो मेक टॉयस, खिलौने बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, जो हमारे पास बर्तन होते हैं, यूटेंसल्स, प्रोनाउंस इट यूटेंसल्स, कटलरी जो चाकू वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, शूज़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हमारे पास सर्जरी के का सामान होता है, स्पोर्ट्स गुड्स के
खिलौने जैसे आप लोगों के बैट हो गए, ठीक है, रैकेट्स हो गए, बॉल्स हो गए, ठीक है, उसको सारा सारा सामान, स्पोर्ट्स और खेल का सामान, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ के बनी हुई चीज़ें हैं, इसके सब के मीनिंग्स मैं भी राइट कर लूँगी। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ के बनाई हुई चीज़ें होती है, कारपेट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, जो मतलब डेकोरेशन के लिए हमारे पास चीज़ें यूज़ होती है आउट ऑफ वुड, जो लकड़ी वगैरह से हम बनाते हैं, आयरी हो गई, ब्रेस हो गया, ठीक है, जो आयरी है हमारे पास हाथी दांत से जो चीज़ें बनाई जाती है, ब्रेस मीन जो पीतल की चीज़ें होती है, जैसे गोल्ड होता है, लेकिन हमारे पास जो है लोग ज़्यादातर क्या करते हैं अपने सूट के साथ जो है पीतल, उसको पीतल कहा जाता है, मतलब इस तरह की जो है चीज़ें से ज्वेलरीज वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास जो प्रोडक्शंस थी पाकिस्तान की, ठीक है। ड्रा द फिनिशिंग लाइन, फुल फिनिशिंग लाइन, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी जो इसके मीनिंग्स हैं वो आप लोग देख ले, लुक एट द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है, क्राफ्ट्समैन दस्तकार, ठीक है, यूटेंसिल्स बर्तन, कटलरी चाकू, पॉटरी मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट सामान, खेल का सामान यानी स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट हाथ के बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, ऑर्नामेंट जो सजाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऊट को जो भी हो, मतलब ऊट का काम जो किया जाता है ये दीवारों पे किया जाता है, विंडो पे किया जाता है, डोर्स पे किया जाता है सजाने के लिए। आयरी मीन्स हाथी दांत जो उसको डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेस मीन्स पीतल। तो ये तो थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट भी हमने कर लिए, ठीक है, और हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा तो वो न्यू लेसन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।